नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने के लिए आए हैं स्कॉट पावर ट्रैक 45 प्लस, जो कि एक 47 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है। आगे वीडियो में हम बात करेंगे इसके पावर फिगर, गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक और पीटीओ, इन सभी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। यूरो 45 प्लस में सिंगल पीस बोनेट देखने को मिल जाता है, जो कि मेटालिक ब्लू कलर के साथ में आता है। और यहाँ पर आप यूरो 45 के ब्रांडिंग को देख सकते हैं, और इसमें ये अलग से गार्ड भी लगाकर दिया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर आप इसके रेगुलर हेडलैम्प को देख सकते हैं, और यहाँ पर प्रोजेक्टर टाइप दिखने वाले हेलोजन हेडलैम्प का भी यूज़ किया हुआ है, जिससे रातों में ट्रैक्टर चलाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। और यहाँ नीचे में आप ये ग्रिल को देख पा रहे होंगे, इसमें क्रोम का ये ट्रीटमेंट किया हुआ है। और यहाँ पर आपको स्कॉट का बैचिंग देखने को मिल जाता है, और ये डीजल सेवर का स्टिकर लगा कर दिया गया है। और यहाँ पर यूरो 45 फोर व्हील ड्राइव या और यह फोर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है। लैम्प को देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिया गया है। इसके सिंगल पीस बोनेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर ये लैच दिया हुआ है, इसको कुछ इस तरह से खींचने पर यह बड़े आसानी से इसे आप खोल सकते हैं। और यह कुछ इस तरह से ओपन होता है, और आप इसके ओपनिंग एंगल को देख सकते हैं। और इसमें किसान भाई बड़े आसानी से इसका रेगुलर मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसके अंदर साफ करने के लिए आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो बोनेट है वो बहुत ही अच्छी तरह से ओपन होता है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें AVL टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाला 2761 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। इस ट्रैक्टर में आपको AVL टेक्नोलॉजी मिल जाता है, इसका मतलब इस इंजन में जो भी कंपोनेंट यूज किए हुए हैं यह बहुत ही अच्छे क्वालिटी के इसमें यूज किया हुआ है। और इसमें फ्यूल सप्लाई के लिए हमें बॉश का इनलाइन फ्यूल पंप देखने को मिल जाता है, और यहाँ से आप तीनों सिलेंडर के गए हुए नोजल को देख सकते हैं। और इसमें ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है, मान लो कभी डीजल कम होने या न होने की वजह से एयर आ गया तो आप यहाँ से उस एयर को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और इस प्रकार का जो पंप होता है बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री होता है। ऊपर से आप इसके पूरे बनावट को देख सकते हैं, इसमें सभी चीजों को कुछ इस तरह से अरेंज किया हुआ है। लेफ्ट साइड से आप एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को देख सकते हैं, और इसका जो मफलर है ये ट्रैक्टर के अंदर में लगाकर ही दिया गया है, जिसकी वजह से इसका जो साइलेंसर है इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और इसमें हीट गार्ड भी लगाकर दिया गया है। ये रहा इंजन ऑयल फिल्टर। बात करें इसके कूलिंग सिस्टम का, तो इसमें कूलेंट रिजर्वायर के साथ वाटर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, और यहाँ से आप इसके रेडिएटर को देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। और इसमें डुअल एलिमेंट के साथ ड्राई टाइप एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है, जो कि आता है क्लॉगिंग इंडिकेटर के साथ में। इसकी मदद से आपके एयर फिल्टर के चोक होने के कंडीशन में यह मीटर की मदद से आपको बताकर सहायता करता है, जिससे आप इसका रेगुलर मेंटेनेंस बड़े आसानी से कर सकते हैं। ट्रैक्टर का जो बैटरी वो आपको ये सामने में मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको इसका अल्टरनेटर देखने को मिल जाता है, जो कि ये मेटल के फ्रेम के प्रोटेक्शन के साथ में आता है, और इसकी वजह से कभी भी कोई भी कचड़ा सीधा डायरेक्ट फैन पे कांटेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका पंखा भी लगातार अच्छे से चलता रहेगा बिना किसी टूट फूट के, और आपके उंगली को भी अंदर कुछ नुकसान होने से यह बचाता है। ये रहा इसका स्टार्टर, और ये रहा इसके सभी प्रकार के फ्यूज। इसमें कौन सा फ्यूज किसके लिए है यह बड़े अच्छे तरीके से बताया गया, जिसकी मदद से फ्यूज के खराब होने कंडीशन में आप इसको खुद से भी चेंज कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर में भी आपको केयर डायरेक्ट की सुविधा देखने को मिल जाता है, और उसके लिए जो पुश बटन होता है वो यहाँ पर दिया गया है। आप में से किसी किसान भाइयों के पास यहाँ ट्रैक्टर पहले से है, तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और आपने नया परचेस करने का सोचा है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पावर ट्रैक का यह वाला मॉडल इस श्रेणी में सर्वाधिक पसंद किया जाता है। इसके स्टीयरिंग को देखें तो इसमें सेपरेट ऑयल कंटेनर के साथ में सिंगल एक्टिव पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, और यहाँ से आप इसके पूरे ये अरेंजमेंट को देख सकते हैं। स्टीयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल कंटेनर देने से यहाँ फायदा होता है कि इसके अंदर जो ऑयल होता है उसमें डस्ट पार्टिकल जाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत लंबे समय तक स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलते रहेगा। लेफ्ट साइड में आप इसके टेंड अप टाइप पंप को देख सकते हैं, इसका मतलब इसी पंप से ये हाइड्रोलिक के लिए काम करता है और ये स्टीयरिंग दोनों के लिए काम करता है। और यहाँ से आप हाइड्रोलिक के लिए गए हुए पाइप एंड को देख सकते हैं, जो कि एक हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर से गुजरता है। ये मैग्नेटिक टाइप का ऑयल फिल्टर देखने को भी मिल जाएगा, और यहाँ नीचे से आप इसके पूरे ये अरेंजमेंट को देख सकते हैं। यहाँ से इसके फ्रंट एक्सल को देख सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, और इसमें हमें फुल्ली वाटर सील्ड फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप इसके डिजाइन को देख सकते हैं, इसकी वजह से इसमें बाकी अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले आपको फोर व्हील ड्राइव होने के बाद भी ग्राउंड क्लियरेंस अधिक देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इसका जो प्रोपेलर शाफ्ट है ये कवर के साथ में बिल्कुल ही ऊपर से दिया गया है, और इसमें आपको 460 mm का बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से इस ट्रैक्टर को इस कैटेगरी में बहुत पसंद किया जाता है। अगर इसमें वेट की बात करें तो आपको ये एक वेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और ये सामने में एक और वेट दिया गया है जो कि 80 kg का है, और यहाँ पर ये 22 kg का आपको अलग से
ब्लॉक देखने को मिल जाता है। इसमें आप एडिशनल और भी वेट लगवा सकते हैं। और फोर व्हील ड्राइव वाले ट्रैक्टर के लिए फ्रंट में वेट होना बहुत जरूरी चीज होता है। इसमें इस कैटेगरी के हिसाब से इम्प्लीमेंट अटैच करने के लिए आपको कंपनी की तरफ से ही मल्टीपल होल्स देकर रखे गए हैं। आप इन सब की मदद से इसमें बड़े आसानी से इम्प्लीमेंट को फिट करवा सकते हैं। आप इसके पूरे डिजाइन को देख सकते हैं और ये नीचे से कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है और यहाँ से आप ये प्रोपेलर शाफ्ट को देख पा रहे होंगे। बात करें इसके फ्यूल टैंक का, तो इसमें 60 लीटर का फाइबर का डीजल टैंक दिया हुआ है, जो कि आता है सुपर डीजल फिल्टर और वाटर सेपरेटर के साथ में। सुपर डीजल फिल्टर देने का यहाँ फायदा होता है कि इसका जो चेंजिंग पीरियड है यह बहुत ही अधिक होता है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट कम पड़ता है। बात करें इसके पावर फ्रीजर का, तो यहाँ ट्रैक्टर 47 HP का पावर 2000 इंजन रेटेड RPM पर और लगभग 179 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टॉर्क को सांस शब्दों में समझे तो जिस ट्रैक्टर में जितना अधिक टॉर्क होता है वह किस लोड को उतने आसानी से खींच सकते हैं। इसके प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए हमें डबल फुट स्टेप देखने को मिल जाता है और इनका पोजीशन बिल्कुल ही सही जगह पर दिया गया है। इसकी मदद से आप इसमें बड़े आसानी से चढ़िया उतर सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल देखने को भी मिल जाता है। यहाँ ऊपर से आप इसके पूरे डिजाइन को देख सकते हैं और ये रहा इसका डैशबोर्ड और इसका प्लेटफॉर्म को भी आप ये पूरा देख पा रहे होंगे। इसमें बहुत ही खूबसूरत कॉम्पैक्ट स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। इसमें इजी स्टीयरिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप इसके पूरा मीटर कंसोल को देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश डिजाइन के साथ में दिया हुआ है और इसमें एनालॉग प्रकार में सभी प्रकार के इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ये छोटा सा MID भी दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ डिजिटल इंफॉर्मेशन भी शो करेगा। इससे आप इसके टर्न इंडिकेटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये रहा हैंड थ्रॉटल लीवर इग्निशन की, इंजन स्टॉप करने के लिए और लाइट्स कंट्रोल करने के लिए, और ये सब लाइट्स के कंट्रोल दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। ये रहा हॉर्न का बटन और यहाँ पर कुछ इस तरह से पार्किंग लाइट के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पर स्पीड चार्ट देखने को मिल जाता है। इसमें कौन से गियर पे कितना स्पीड आपको प्राप्त होगा ये सब बताया गया है और कौन से इम्प्लीमेंट पे कौन सा गियर यूज करना है ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। राइट साइड में हमें इंडिपेंडेंट पार्किंग लीवर देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही कारों की तरह वर्क करता है। यहाँ पर आप इसके पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को देख सकते हैं, जो कि ऑपरेट करने में बहुत ही ज्यादा स्मूथ है और बिल्कुल ही आपके पहुंच में इसको डिजाइन किया हुआ है। अब इसके ऑक्सिलरी वाल्व को कंट्रोल करने के लिए जो लीवर दिया हुआ है इसको भी देख सकते हैं और यहाँ से आप इसके टोल फ्री नंबर को भी देख सकते हैं। राइट साइड में ही हमें डिफरेंशियल लॉक देखने को भी मिल जाता है। मान लो कभी ट्रैक्टर कहीं फंस गया है, उस कंडीशन में आप इसको अप्लाई करके इसके दोनों व्हील को एक साथ घुमाकर ट्रैक्टर के निकलने में सहायता कर सकते हैं। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इस बात का ध्यान रहे कि आपका जो स्टीयरिंग है बिल्कुल ही सीधा होना चाहिए और इसको कभी भी चलते हुए गाड़ी में अप्लाई नहीं करना चाहिए। फंसे होने के कंडीशन में ही इसको अप्लाई करें। लेफ्ट साइड में हमें इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर देखने को मिल जाता है। ये रेंज लीवर और यहाँ पर आपको उसका शटल शिफ्ट गियर देखने को मिल जाएगा। कई ट्रैक्टर में जो शटल शिफ्ट लीवर होता है उसको यहाँ पर दिया जाता है। अगर आपको किसी ऐसे ट्रैक्टर के बारे में मालूम हो जो इस कैटेगरी में भी आपको शटल शिफ्ट लीवर देता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शटल शिफ्ट लीवर की मदद से आप जिस स्पीड में आगे पर जाते रहेंगे लगभग उसी स्पीड में ही ट्रैक्टर को पीछे भी कर सकते हैं, तो ये सब फायदे होते हैं इसके। ये रहा इसका पीटीओ लीवर और इसमें हमें 540 स्टैंडर्ड और 540 इकोनॉमी पीटीओ देखने को मिल जाता है। इस लीवर की मदद से आप स्टैंडर्ड और इकोनॉमी पीटीओ इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। हल्के कामों के लिए 540 पीटीओ चक्कर लगभग 1200 RPM पर मिल जाता है, जिसमें चलाकर आप अच्छे खासे ईंधन की बचत कर सकते हैं और थोड़ा हैवी कामों के लिए आप स्टैंडर्ड पीटीओ का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छा खासा इसमें फीचर्स दिया गया है। तो ये रहा इसके फोर व्हील ड्राइव को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए लीवर। यहाँ पर आपको इसका लेबलिंग प्लेट देखने को भी मिल जाएगा। इसके प्लेटफॉर्म को देखें तो यह पूरी तरह से फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया हो, जो कि बैठने में बहुत ही ज्यादा आरामदायक है। गियर बॉक्स के हीट से बचाने के लिए इसमें कंपनी ने रबर का चादर लगाकर भी दिया हुआ, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें हमें सस्पेंडेड टाइप के क्लच पैडल और ब्रेक पैडल दोनों देखने को मिल जाते हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि इस टाइप के जो पैडल्स होते हैं ऑपरेट करने में कितने ही ज्यादा आरामदायक और स्मूथ होते हैं। और ये रहा इसका एक्सीलेटर पैडल। बात करें इसके क्लच का, तो इसमें हमें डबल क्लच देखने को मिल जाता है। इसका मतलब यह वाला क्लच जो है केवल ट्रांसमिशन के लिए दिया गया है और पीटीओ के लिए आपको अलग से इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर देखने को भी मिल जाता है। और इसमें ऑयल इमर्ज ब्रेक दिया गया है। बात करें इसकी गियर बॉक्स का, तो इसमें कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स दिया हुआ है, जो कि आता है 1, 2, 3, 4 और हाई लो। और यहाँ पर आपको एक शटल शिफ्ट लीवर भी मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें 8 फॉरवर्ड और 8 रिवर्स गियर दिया हुआ है, जो कि इस ट्रैक्टर को खास बनाता है। ट्रैक्टर में जितना भी गियर होते हैं उतना ही आप हर कामों के लिए सुटेबल गियर का चुनाव कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा खासा ईंधन का भी बचत कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर ट्रैक ने बिल्कुल ही खूबसूरत तरीके से इसको पूरा कवर किया हुआ, जो कि देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और सेफ्टी के लिहाज से भी खूबसूरत चीज बनाया हुआ है। और यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट लॉक का सुविधा देखने को भी मिल जाएगा। हमें 5-way एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाता है। इसका मतलब इसको आप लेंथ के अकॉर्डिंग, आगे पीछे और हाइट के अकॉर्डिंग, ऊपर नीचे और वेट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे से आप इसके पूरे डिजाइन को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 47 HP का स्टिकर देखने को मिल जाएगा और ये रहा इसका रेगुलर टेल लैंप। और यहाँ से आप इसके फेंडर के चौड़ाई को देख सकते हैं और इसमें कुछ इतना फेंडर गैप देखने को मिल जाता है। और इसके फेंडर को सपोर्ट करने के लिए इसमें 3 बीम लगाकर दिए गए हैं, जो कि इसके फेंडर को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं।
लेफ्ट साइड के व्यू को देख सकते हैं। फेंडर के ऊपर में ही आपको प्लास्टिक का टूल बॉक्स देखने को मिल जाएगा। राइट फेंडर में नंबर प्लेट की लाइट, ये प्लाउ लैंप दिया गया है। सीट के पीछे में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा और इस नॉब की मदद से आप सीट को वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। राइट साइड में बोतल होल्डर और यहाँ पर 7-पिन सॉकेट भी दिया गया है। और इसमें हमें कंपनी फिटेड डबल ऑक्सिलरी वाला देखने को मिल जाता है, जो कि वारसी कपलर के साथ में आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसको ऑपरेट करने के लिए ये लीवर इसमें दिया गया है और इसको आप अपने जरूरत के हिसाब से सिंगल एक्टिंग और डुअल एक्टिंग में ये स्पूल वाला की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। बात करें इसके हाइड्रोलिक्स का, तो इसमें 1500 केजी की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। और यहाँ से आप इसके लोअर लिंक के आर्म के डिज़ाइन को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी डिज़ाइन किया हुआ है। और इसमें हमें बॉक्स शेप में स्टेबलाइजर बार देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इसको आप ये पिन के माध्यम से बड़े आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके आर्म के लेंथ को एडजस्ट करने के लिए भी ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दिया हुआ है, जो कि आपको दोनों तरफ देखने को मिल जाएगा और यह बाकी अन्य ट्रैक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं जो इस कैटेगरी में भी दोनों साइड में आर्म के लेंथ को एडजस्ट करने के लिए अरेंजमेंट देता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस ट्रैक्टर का नाम जरूर बताएं। इसमें हमें 3-पॉइंट सेंसिंग के साथ ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर देखने को मिल जाता है। और आप सभी को पता ही होगा कि स्कॉट के जो सेंसिंग टेक्नोलॉजी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। सॉफ्ट मिट्टी में हल को चलाने के लिए टॉप लिंक को ये नीचे वाले होल में फिट करना चाहिए और उससे थोड़ा हार्ड मिट्टी के लिए ऊपर वाले में, और इंप्लीमेंट को रोड पर लाते जाते समय टॉप लिंक को हमेशा ये सबसे ऊपर वाले में फिट करें, क्योंकि इसमें जीरो सेंसिंग होता है और ऐसा करने से आपका जो सेंसर है इसकी सेंसिटिविटी लंबे समय तक बरकरार रहती है। और ये रहा इसका टॉप लिंक, और इसके टॉप लिंक को टो करने के लिए यहाँ पर हुक दिया गया है। बात करें इसके पीटीओ का, तो इसमें 29.4 किलोवाट का 6-स्पैन पीटीओ दिया गया है, जो डुअल स्पीड के साथ में आता है। मतलब इसमें आपको 540 स्टैंडर्ड और 540 इकोनॉमी पीटीओ दोनों देखने को मिल जाता है। एडजस्टेबल हिचिंग पॉइंट दिया गया है। इन पिंस की मदद से इसके हाइट को आप अपने जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ईपी साइक्लिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाला रियर एक्सल यूज किया हुआ है, जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट रियर एक्सल माना जाता है। और इस एक्सल की मदद से इस ट्रैक्टर के पावर का आप बिना किसी टेंशन के भरपूर उपयोग ले सकते हैं। बात करें इसके टायर साइज का, तो इसमें 9-5-18 के फ्रंट टायर दिया गया है। और यहाँ से आप इसके रिम के डिज़ाइन को देख सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिया गया है। और ऐसा करने से ट्रैक्टर का जो वीड है यहाँ भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। रियर टायर की बात करें, तो इसमें 14-9-28 के रियर टायर लगाकर दिया गया है। और यहाँ पर भी आप इसके रिम के डिज़ाइन को देख सकते हैं, जो कि कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। और इन्हीं सब की मदद से इसमें जो फेंडर गैप है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। आप ये टायर को देख पा रहे होंगे, ये स्पेशली धान की खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बात करें इसके डायमेंशन का, तो इसका व्हील बेस 1885 mm और इसका जो टोटल लेंथ है 3270 mm का देखने को मिल जाता है। और इसमें 1810 mm का चौड़ाई देखने को मिलेगा। और ट्रैक्टर का टोटल वेट 1985 kg का दिया गया है। 460 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। ये आप पूरे नीचे के डिज़ाइन को देख सकते हैं। बात करें इसके ऑयलिंग कैपेसिटी का, तो इसमें 6.5 लीटर का इंजन ऑयल और इसके ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक के लिए 37 लीटर और इसके स्टेयरिंग के लिए लगभग 3 लीटर का ऑयल यूज़ करना पड़ता है। बात करें इसके फॉरवर्ड स्पीड का, तो इसमें 2.8 से 31.6 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड देखने को मिल जाता है। और रिवर्स स्पीड भी आपको लगभग इतना ही देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इतने सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं आपको पावर ट्रैक यूरो 45 प्लस में, जो कि इस ट्रैक्टर को खास बनाता है। अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से कोई भी डाउट या कुछ क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।